बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि उसने स्टार्ट करने से पहले मेंशन किया व्हेन अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ कर्व पाथ सेंट्रीपेटल फोर्स इज रिक्वायर्ड. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड इज टू स्मॉल, क्योंकि कार के मुकाबले साइकिल वाले का वेट ज्यादा होता नहीं है, तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा लगता नहीं है जितना वो हवा में उड़ता जाता है. कार जो है उसको साइकिल बहुत तेज चलाता है, वेट उसका है नहीं है, और फ्रिक्शन में पकड़ आएगी नहीं क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो है नहीं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम रहेगी. यहाँ पे ना के बराबर ही ले ली उसने, है ही नहीं समझो, तो फिर उसको यानी कि मतलब फ्रिक्शन है उसे कंसिडर नहीं की. मतलब आपको कैसे फ्रिक्शन नहीं है साइकिल कैसे चल गया, इतनी है थोड़ी बहुत कि टायर घूम सके लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं है कि ओनली फ्रिक्शन है कि आपको बेंड भी ना करना पड़े और आप घूम गए, ऐसा भी नहीं है. तो कह रहा है कि फ्रिक्शन ज्यादा इसमें पकड़ नहीं ले पाती क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन साइकिल वाले का कम है, वेट कम है, कार का तो बहुत ज्यादा है, कार का खुद का वेट ही बहुत ज्यादा है, तो उसको क्या करना पड़ता है बेंड. लेकिन अगर फ्रिक्शन सफिशियंट हो और बेंडिंग भी हो तो साइकिल वाले को अगर तेज जाना है तो इतनी बेंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी ज्यादा फ्रिक्शन हाई होगी. फ्रिक्शन जितनी कम होगी बेंडिंग उतनी ज्यादा होगी, फ्रिक्शन ज्यादा होगी बेंडिंग उतनी कम हो जाएगी. तो यानी कि दो चीजें हेल्प करती हैं बॉडी को सर्कल में घूमने के लिए, पहली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कैसे अभी बताऊंगा, और दूसरी बेंड करना. बेंड करने से भी फायदा होता है क्योंकि बेंड करने से नॉर्मल रिएक्शन एक कॉम्पोनेंट फोर्स टुवर्ड सेंटर एड करता है, और क्या प्रोवाइड करता है बॉडी को, सेंट्रिपेटल फोर्स, राइट. तो अब चेक करते हैं सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड.